नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग को फिलिस पीठा या पुआ पीठा कुछ भी या पुआ इसी को बना रहे हैं, लेकिन हम चावल के पाउडर से और थोड़ा सा मैदा से, देखिए कैसे बनाते हैं। हम ये रेसिपी बनाने के लिए ये 1.5 कप चावल के पाउडर लिए हैं, या 1/2 कप मैदा लिए हैं, इसमें मिला दिए और इसमें डालेंगे, ये चम्मच है ना, इस चम्मच का भर के 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं और 1/2 चम्मच खाने वाला सोडा, जिसको मीठा सोडा बोलते हैं, और जरा सा नमक डालेंगे। चुटकी भर नमक डाल दिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह मिला लेते हैं, तब हम एक ठो झटपट तो नाश्ता बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को दिखाएंगे। इसमें एक हम अंडा भी डालेंगे ताकि मुलायम रहेगा, और ये अंडा डाल दिए हैं। इसमें छोटा 1 चम्मच का घी डालेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे, 1/2 चम्मच जैसा हो गया। इसको अब अच्छी तरह हम सुसुम पानी में, मतलब गर्म पानी, थोड़ा बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं, सो मिला। देखिए इसका घोल इस तरह बना है। अब इसको तेल में हम छानेंगे, इसको फिलिस पीठा बोलते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, फिलिस पीठा। कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, अब इसमें हम रिफाइंड तेल डाल रहे हैं। एक एक करके हम इसको तेल गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है, हम अभी थोड़ा सा देके देखते हैं कैसा बन रहा है। अपने से ही ऊपर आएगा, हम हिलाएंगे नहीं। अब इसको धीरे से ऐसे करने से ऊपर आ जाएगा। साइड से थोड़ा थोड़ा तेल डालने से ऊपर फूल जाएगा। चावल का है, अब थोड़ा सा मैदा हम डाले हैं। देखिए कितना अच्छा फूल गया है। इसको हम लोग गुड़ से भी बनाते हैं, जैसे कि खाजू का गुड़ होता है, उसी गुड़ से हम लोग इसको बनाते हैं, तो बहुत सुंदर लाल लाल बनता है। ये तो हम चीनी से बनाए हैं, यहाँ खजूर का गुड़ नहीं मिलता है। हो गया है एक तो, कितना अच्छा फूल गया। अभी हम दूसरा देते हैं। हर बार इसको चावल है ना, इसको नीचे भारी पड़ जाता है, इसीलिए इसको हर बार जब भी तवा में डालेंगे कढ़ाई में, तभी इसको मिला के ही चढ़ाना है। अब देखिए दोस्तों अच्छा से कैसे बनता है। देखिए धीरे धीरे उसको साइड पकड़ लिया है, इसी तरह साइड में थोड़ा तेल ऊपर उठा देंगे, क्योंकि बीच वाला तेल ठंडा हो जाता है ना, तो साइड से थोड़ा थोड़ा तेल देते जाने से
इसका फूल आएगा जाएगा। देखिए फूल गया, देखते रहिए कैसे फूल गया। इसी तरह तेल ऊपर में थोड़ा थोड़ा करके देते जाना पड़ता है। देखिए निकल गया है। अब जब नीचे में पूरा अच्छी तरह पक जाएगा तभी इसको हम पलटेंगे, नहीं तो अभी भी तब में बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म में होगा तो ये पूरा अंदर में नहीं पक पाएगा। अरे ये कितना मुलायम रहेगा दोस्तों, इसको बासी करके खाने में बहुत अच्छा लगता है। ठंडी का दिन है ना, इसको जितना बासी हो जाता है, जैसे कि रात को बनाइए बासी को सुबह में खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। देखिए ये पुआ पीठा बोलिए या फ्लिस पीठा पुआ जो भी बोलिए, ये चावल का पाउडर से बना, हम बार बार बोले हैं ये चीज़ बन गया है। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और एक बात बोलने भूल गए हैं कि अंडा देना ज़रूरी नहीं है, मुलायम रहने के लिए हम अंडा दिए हैं एक ठो, आप लोग उसको नहीं दे सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा बन गया है, मुलायम मुलायम देखिए एकदम, देखिए इस तरह। तो आप लोग भी बनाइएगा खाइएगा और बताइएगा कैसा बना है। लाइक शेयर कीजिएगा, नए लोग जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।